दोस्तों HDFC बैंक इंडिया का टॉप क्लास बैंक है और HDFC बैंक में आप जो है ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको लोन चाहिए, अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए, साथ ही साथ आपको जो है इंटरनेट बैंकिंग और EMI की फैसिलिटी चाहिए, तो HDFC बैंक एक ग्रेट चॉइस है आप सभी के लिए। इसे जहां पर कि आपको सारी फैसिलिटीज मिलती है और HDFC बैंक में आप जो है ऑनलाइन तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल से ही एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वो भी आपको जो है यहां पर फुल वीडियो KYC की फैसिलिटी मिलती है, जिसमें कि आपको एक भी बार ब्रांच विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है कंप्लीटली प्रोसेस वीडियो KYC के माध्यम से कर सकते हैं और यहाँ पर आपका अकाउंट भी हैंड टू हैंड जनरेट कर दिया जाता है, जिसकी इंटरनेट बैंकिंग को आप जो है तुरंत ही एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डेबिट कार्ड होता है और जो पासबुक चेकबुक होता है, वो आपके पोस्टल एड्रेस पर, जो भी एड्रेस आपका आधार कार्ड का एड्रेस है, उस पर आपको डिलीवर्ड कर दिया जाता है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीटली प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरह से आप जो है घर बैठे अपने मोबाइल से HDFC बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि आप जो है एक ही प्रोसेस के माध्यम से सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और सैलरी अकाउंट, तीनों में से कोई भी अकाउंट को जनरेट कर सकते हैं। तीनों के लिए एक ही प्रोसेस है। तो सारा कुछ आपको आज के इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और इसी तरह की बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको जो है www.hdfcbank.com इस वाली वेबसाइट पर आ जाना होगा। इसका लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर जैसे ही आप अकाउंट वाले ऑप्शन पे अपने कर्सर को ले जाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है सेविंग अकाउंट का एक ऑप्शन मिलता है। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेविंग अकाउंट ओपन, सेविंग अकाउंट ऑनलाइन, ठीक है ना। ऑनलाइन तरीके से आप सेविंग अकाउंट किस तरह से ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको एक व्यू मोर का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो है क्लिक हियर का बटन दिखाई देगा, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आइडेंटिफाई योर सेल्फ, सिलेक्ट EKYC, कनेक्ट और उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल, योर प्रोफाइल, योर इन्फॉर्मेशन एंड सबमिटेड। आपको इन प्रोसेस के माध्यम से सिंपल तरीके से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है अपना एक मोबाइल नंबर इंटर कर देना है और यहाँ से जो है आपको आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके KYC डॉक्यूमेंट पर है, जो भी आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर है, ठीक है ना। उसके बाद अब स्टार्ट नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा और आपके मोबाइल पर आपको एक OTP भेजा जाएगा। OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप सबमिट OTP वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं आपका नाम ले लिया जाएगा आपके आधार कार्ड के अनुसार, आपके पैन कार्ड के अनुसार। यहाँ से आप मिस्टर मिसेस सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट के लिए कहा जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप यूज आधार, अगर आप जो है आधार का यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट नंबर है EKYC वीडियो KYC के माध्यम से तुरंत ही जनरेट कर दिया जाएगा। अगर आप जो है यूज अदर डॉक्यूमेंट EKYC, अगर आप जो है EKYC के लिए अदर डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे, नोट में पढ़ पा रहे हैं, अगर आप जो है विदाउट आधार कार्ड के अपना अकाउंट ओपन करेंगे, तो आपको जो है अकाउंट नंबर तुरंत नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आपको कंप्लीट प्रोसेस के लिए ब्रांच विजिट करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यूज आधार कार्ड के साथ में जाएंगे। यूज आधार कार्ड में क्या है कि आप ऑनलाइन तरीके से ही अपना अकाउंट जनरेट कर सकते हैं। यूज आधार पे आप क्लिक रहने देंगे, आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे, कंटिन्यू वाले बटन पे सिंपली कंटिन्यू करेंगे, तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर। यहाँ पर आपको जो है आपका वेरिफिकेशन देना है, जिसमें कि आप यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद आप जो है इस चेकबॉक्स को चेकमार्क करेंगे, आई कन्फर्म दैट। उसके बाद गेट OTP वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट OTP वाले बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा, जो कि आधार से रजिस्टर्ड है। OTP आप यहाँ पर फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद अब यहाँ वेरीफाई EKYC वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप वेरीफाई EKYC वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह का प्रोसेस आपके सामने होगा। यहाँ पर जो है आपके आधार के अनुसार आपकी सारी डिटेल को ले लिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको अब आपकी जो कॉन्टेक्ट डिटेल है उसको फिल करना रहेगा। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ पर ले लिया गया है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एड्रेस भी आपका कम्प्लीटली ले लिया गया है। आपको सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपका कौन सा ब्रांच आपको नजदीक है, आप उस ब्रांच को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जो है आपके बैंक की ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना है। आप आपकी कौन सी ब्रांच रखना चाहते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप जो है अपना सिटी सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका सिटी है। यहाँ पर आप जो है HDFC का ब्रांच सिलेक्ट करेंगे, कौन सा ब्रांच आप रखना चाहते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक ही प्रोसेस के माध्यम से आप जो है सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंस्टा सेविंग अकाउंट को ही ओपन करना चाहते हैं, तो हम जो है इस वाले ऑप्शन का यूज करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है, आप कौन सा काम करते हैं। यहाँ पर आपको जो है आपका एक ईमेल एड्रेस इंटर कर देना होगा। यहाँ पर आपको जो है आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो दर्शानी होगी, जैसे कि 1,00,000 रुपए, तो यहाँ पर आपको इंटर कर देना होगा 1,00,000 रुपए। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है सोर्स ऑफ फंड, आपका जो इनकम है कहाँ से होता है, बिजनेस इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है या इन्वेस्टमेंट इनकम है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप अपना पैन नंबर इंटर करेंगे, पैन नंबर अगर आपके पास में नहीं है तो आप जो है इस वाले चेकबॉक्स को चेकमार्क करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड का ऑप्शन आता है, इससे पहले आप जो है कौन सा काम करते थे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इससे पहले आप जो काम करते थे वो किस फर्म में करते थे, किस फील्ड में करते थे, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस नेचर क्या है, वो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक तो आप जो है भारत के ही रहने वाले हैं, दूसरा आप भारत में ही टैक्स पेयर है, तो आपको जो है इन दोनों चेकमार्क्स को जो है यस पर रहने देना है। उसके बाद आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दो अकाउंट ऑप्शन आएंगे, जैसे कि आप रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2,500 रुपया आपको यहाँ पर मेंटेन करना होगा, ठीक है ना। अगर आप जो है सेविंग मैक्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 25,000 रुपए का फंड यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर हम तो रेगुलर सेविंग अकाउंट ही ओपन करना चाहते हैं, तो हम जो है इसी वाले को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा आपका मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल है, मैरिड है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप फादर्स नेम लिखेंगे, मदर्स नेम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपनी जो भी जीवन साथी है, पति या पत्नी, उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर नॉमिनीज को रखना चाहते हैं तो आप इसको यस करेंगे, अगर आप जो है नॉमिनीज को नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से अनचेक कर देंगे। हम यहाँ पर नॉमिनी को रखना चाहते हैं, तो नॉमिनी को रखने की कंडीशन में नॉमिनी आपका कौन है, जीवन साथी है, पिता है, माता है, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नॉमिनीज डिटेल आप फिल करेंगे, जैसे नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से इंटर करेंगे, नॉमिनी का एड्रेस अगर सेम एड्रेस है जो कि आपका है, वही नॉमिनी का एड्रेस है तो आप सेम एस पर क्लिक करेंगे तो आपका कंप्लीट एड्रेस फिल हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको जो है आपके जन्म स्थान की डिटेल देने रहेगी, आपका जन्म कहाँ पर हुआ था, कंट्री इंडिया सिलेक्टेड रहने देंगे। स्टेट में आपको जो है आपका स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मध्य प्रदेश, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिटी आपको यहाँ पर आपका सिटी सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका सिटी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर अगर HDFC बैंक के किसी प्रतिनिधि ने आपकी खाता खुलवाने में मदद की है तो आप जो है इसको फिल करेंगे, अदरवाइज आप इसको यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही आप इसको यहाँ पर नो वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक, इसको आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने EKYC डिटेल आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। आप जो है कंटिन्यू विद वीडियो KYC फ्यूचर बेनिफिट्स, अगर आप जो है वीडियो KYC के साथ में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक मिलेगा, लोन ऑफर्स मिलेंगे, यहाँ से जो है आप अपनी बैंकिंग को यूज कर सकते हैं, एंड मोर ऑप्शन, आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपको सिंपली आई एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका इंस्टा सेविंग अकाउंट ओपन कर दिया गया है। आप जो है आपका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर मिल जाता है, आपका जो कस्टमर आईडी है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, और HDFC का IFSC कोड आपको यहाँ पर शो कर दिया जाता है। आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको जो है स्टार्ट वीडियो KYC का ऑप्शन मिलेगा। आपको जो है अकाउंट ओपन के 3 दिन के अंदर अंदर ही अपनी वीडियो KYC को यहाँ पर कंप्लीट करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपने जो भी आपका ब्रांच सेलेक्ट किया था वहां पर जाकर आपको जो भी आपके KYC डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सारा ले जाना होगा, और आप फिर अपनी ब्रांच में जाकर ही KYC के माध्यम से ओपन करा सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप जो है मोबाइल से ही अपना वीडियो KYC करना चाहते हैं तो आप सिंपली स्टार्ट वीडियो KYC के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको वीडियो KYC करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो है वर्किंग डेज में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आप जो है बैंकिंग डेज में वीडियो KYC कर सकते हैं। तो वीडियो KYC के लिए आप सिंपली स्टार्ट वीडियो KYC वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर HDFC बैंक का वीडियो KYC आएगा। आप अलाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अलाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ कंडीशन बताई जाएगी, जैसे कि कीप योर पैन कार्ड रेडी, आपको आपका ओरिजिनल पैन कार्ड रेडी रखना है। यहाँ पर आपके पास में एक ब्लैक पेन होना चाहिए, एक व्हाइट पेपर होना चाहिए, जिसपे कि आप अपने सिग्नेचर करके जो भी HDFC बैंक के कर्मचारी आपसे जुड़ेंगे उनको आप बता सके, ठीक है ना। उसके बाद आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप पर सपोर्ट वीडियो कॉलिंग आपको यहाँ पर कर दी जाएगी। आप जो है अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, आपको किसी ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर कि कम से कम नॉइस आए। अगर आपके पास में ये सारी चीज है तो आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही आपका वीडियो KYC कंप्लीट हो जाता है तो आपको जो है नेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले नेट बैंकिंग के इस वाले पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको जो है आपका यूजर आईडी एंटर करना है जो कि अभी आपको मिला है। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे।
तो जैसे ही आप अपना कस्टमर आईडी इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको पिन का ऑप्शन आ जाएगा। अभी आपके पास में पिन नहीं है तो आप फॉरगेट पिन करके अपना एक पिन नंबर जनरेट कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन एक्सेस भी सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं हमने सिलेक्ट करके रखा है इंटर। तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड बना लेंगे, पासवर्ड बनाने के बाद आप अपना पासवर्ड यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आपका इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप सारे के सारे काम कर सकते हैं अपने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। इंटरनेट बैंकिंग में आप किस तरह से कौन कौन से काम कर सकते हैं, चेकबुक के लिए आप किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड के लिए आप किस तरह से एप्लीकेशन करेंगे, इस पर आपको एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। इस पर आपको बहुत ही जल्दी एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहती है।